नगर परिषद कुरुक्षेत्र की बिना परमिशन के अवैध होल्डिंग लगाने वाले लोगों पर नगर परिषद कुरुक्षेत्र ने 1,000 रुपए के चालान किए हैं। नगर परिषद द्वारा बिना परमिशन के शहर में लगे अवैध होल्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 25 लोगों के चालान काटे और कईयों को चेतावनी दी गई। नगर परिषद के अवैध होल्डिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान से ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया जिन्होंने गलत तरीके से शहर में बैनर इत्यादि लगाए हुए थे। आज डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 25 चालान नगर परिषद द्वारा किए गए। ये ऐसे चालान थे जिन लोगों ने बिना परमिशन के अनऑथराइज होर्डिंग्स विभिन्न स्थानों पर लगाए हुए थे। पिछले दिनों हमने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये सभी को सूचना दी थी कि अपने अपने अवैध होर्डिंग जो वो लगाए गए हैं शहर में वो हटा लें, परंतु किसी के द्वारा भी इसकी कंप्लायंस ना करी गई। तो आज हमने कुछ 25 जगहें चिन्हित करके उन लोगों का चालान किया और चालान में 1,000 रुपये फाइन के तौर पर इम्पोज किया, जो कि 7 दिन के अंदर अंदर नगर परिषद में जमा करवाना होगा। अगर वो नगर परिषद में ये फाइन जमा नहीं करवाते तो उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है और जो संबंधित चालान है वो कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इसके अलावा सभी को फिर से ये इन्फॉर्मेशन, सभी सिटीजन्स या कुछ ऐसी एजेंसी जो कि अनऑथराइज होर्डिंग लगाती है, उनके लिए ये है कि नगर परिषद से परमिशन लेके जो उपयुक्त स्थान है वहीं पे अपने होर्डिंग्स लगाएं, अन्यथा इससे हमारी जो सेफ्टी, शहर की सेफ्टी और सुंदरता दोनों खराब होती है। एक विशेष तौर पर जैसे हमारा पिपली रोड, पिपली रोड पर प्रशासन के द्वारा तिरंगा लाइट लगाई गई है, कुछ लोगों के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी वहाँ पे होर्डिंग्स लगाए जाते हैं जिनको जब भी उतारा जाता है तो उसकी वजह से वो वायरिंग जो टूट जाती है जिसकी वजह से सरकारी नुकसान हो रहा है। तो पुनः सभी के लिए निर्देश है और ऐसे लोगों के लिए जो कि इसकी अनुपालना नहीं करते कि इस प्रकार के अवैध होर्डिंग्स ना। कुरुक्षेत्र से दलवीर मल्लिक की रिपोर्ट, युगमार्ग TV।